हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वी लॉन्ग एफ टैबलेट के बारे में। वी लॉन्ग एफ टैबलेट डॉक्टर के द्वारा कब प्रेस्क्राइब की जाती है, या यूं कहें कि ये डॉक्टर की चॉइस होती है। इस टैबलेट को डॉक्टर की चॉइस भी माना जाता है, क्योंकि जनरली जब आप नेचुरली कंसीव करने के लिए घर पर ही ट्राई करते रहते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो आप फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कुछ मल्टीविटामिन्स टैबलेट देते हैं, इसके साथ साथ आपको विलोंग एफ टैबलेट भी प्रेस्क्राइब करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि विलोंग एफ टैबलेट्स एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होती है, इसमें फॉलिक एसिड होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी विटामिन्स की कमी होती है, आपकी बॉडी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, इस कारण से आपको कंसीव नहीं होता है, तो एकदम से ही डॉक्टर्स आपको किसी भी ट्रीटमेंट को नहीं देते हैं। सबसे पहले वो आपको कुछ मल्टी विटामिन्स टैबलेट देते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, जिससे जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको भरपूर मात्रा में मिल सके और आपको कंसीव करने के लिए हेल्प मिले। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको विलोंग एफ टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं और कम से कम 3 महीने तक इस टैबलेट को खाने बोलते हैं। इसके साथ ही इसको खाने के साथ साथ आपको रिलेशन भी ट्राई करने बोलते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी पूर्ति होती रहे और इसके साथ साथ जो फॉलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कंसीव करने में, आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगते हैं। जब आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है कि आपको खाने से केवल आपके जो न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से छोटी छोटी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं और आपको रिज़ल्ट देखने मिलता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। इस कारण से आपको थोड़ा बहुत टेंशन होती है, धीरे धीरे जब टेंशन बढ़ जाती है तो आपको बीमारियां घेरने लगती हैं, जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं, PCOD PCOS जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए, हॉर्मोन्स इम्बेलेंस की समस्या से बचने के लिए आपको मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को सजेस्ट किया है कि आप लोग योगास करें, इसके साथ साथ प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और एक हेल्दी डाइट ज़रूर लें। लेकिन बहुत से लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाता है हेल्दी डाइट लेना और उनको भोजन में भरपूर मात्रा में उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको विलोंग एव, कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स, इसके कुछ बहुत सारे अल्टरनेटिव ब्रांड भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर्स आपको विलोंग एफ प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इससे आपकी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। इसके साथ साथ ये आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होने से भी प्रिवेंट करता है, खून की कमी भी नहीं हो पाता। इसमें विटामिन B6 होता है, जो कि एक मास्टर विटामिन होता है, और इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, आपके ब्लॉक्स को, जो प्रोटीन ब्लॉक्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, उसकी भी समस्या को ये दूर कर देता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन होने लगता है, आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को लेने से बहुत सारी महिलाओं को कंसीव हुआ है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड, मैंने आपको बताया कि इसमें फॉलिक एसिड बहुत होता है, और इसके साथ ही इसमें जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लान करने में और प्रेगनेंसी के बाद, इनफैक्ट अगर आप कंसीव कर जाते हैं फिर भी फॉलिक एसिड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब तक आपकी प्रेगनेंसी चलती है, आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक डॉक्टर आपको हेल्दी न्यूट्रिशंस बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको परमानेंट फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लेने ज़रूर बोलते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आपको हो सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो सक्सेस रेट है, विलोंग एफ का सक्सेस रेट है, काफ़ी अच्छा है, और इसको नॉर्मली भी आप इसे ले सकते हैं। डॉक्टर का सजेशन
ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, उनसे कंसल्ट कर लिया है और आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशंस की कुछ पोषक तत्वों की ही कमी है, तो आप बिलोंग एफ को ट्राई कर सकते हैं। और इस टैबलेट को प्रतिदिन एक टैबलेट ही लेना होता है। वैसे इसको आप पीरियड के 25वें दिन से 25 डेज से आपको इसको लेना होता है और आपको परमानेंट इसको चलाना होता है। जब भी आप स्टार्ट करें इस टैबलेट को लेना, तो आप पीरियड के 25वें दिन से इसको लेना स्टार्ट करें। और जब आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा, एक तो अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपको पीरियड भी रेगुलर होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसमें कंसीव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डॉक्टर्स इस टैबलेट को PMS की प्रॉब्लम में भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो नॉर्मली मैंने आपको जो बताया है कि कई बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, वो नॉर्मली आपको जैसे इरिटेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, आपको घबराहट से भी हो सकती है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिंस जो होती हैं उनके थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई भी टैबलेट तो यूज़ करें, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बिलोंग एफ बहुत अच्छा टैबलेट है, ख़ास करके अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिलोंग एफ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और डॉक्टर, मैंने आपको बार बार बताया कि ये डॉक्टर की चॉइस है। डॉक्टर आपको नॉर्मली कंसीव करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, इसके साथ बिलोंग एफ ज़रूर लिखते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट का भी ध्यान देना है, योगासन और प्राणायाम आपको ज़रूर करने हैं, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपके सारे सिस्टम एकदम कंट्रोल में रहेंगे, आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, आपका मन एकदम शांत रहेगा और आप कंसीव भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी बहुत समय से परेशान हैं कंसीव करने के लिए, ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशंस वैल्यू का ही अंतर है, तो आप इस टैबलेट को ट्राई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं और अपना रूटीन वर्क आप ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और पॉजिटिव रहें, आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।